इतना छोटा पिज्जा? कैसी किस्मत है मेरी। और मेरे पास एक साधारण वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। वाह वाह, हम भी एक विशाल पिज्जा चाहते हैं। सपना देखो, ये एक चुनौती है, जिसे जो मिला है वो खाएगा। कौन शुरू करेगा? मैं तो नहीं, मैं भी नहीं। ठीक है, तो मैं पहली हूँ। बेशक मेरे लिए इस तरह का टुकड़ा काफी नहीं है, लेकिन एक कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। ये अच्छा था लड़कियों, सच में। वाह, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक विशेष पिज्जा चाकू का उपयोग करूँगी और एक स्पाइरल बनाऊंगी। इस तरह से यह बहुत स्वादिष्ट होगा और पिज्जा खत्म ही नहीं होता है। वाह, यह अद्भुत है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये एक अच्छा तरीका है। और मैं एक बड़ा स्टेक बनाने के लिए सभी टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। वाह, ये मस्त लग रहा है, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे संभाल नहीं सकूंगी। ओह, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? काम पर लग जाओ। चलो ब्रिटनी, तुम इस मेगा स्वादिष्ट टुकड़े को खा पाओगी, हमें तुम पर विश्वास है। एक चुनौती है, चलो दोस्तों। ऐसे सपोर्ट ग्रुप के साथ मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। वाह, बढ़िया काम। ओह, यह मैंने जैसा सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ो, हार मत मानना, बस थोड़ा सा बचा है। ओ ठीक है, तुमने मुझे ताकत दी। सबसे अच्छे दोस्तों के साथ सब कुछ हो सकता है। मैंने कर लिया। वाह, उरे, मुबारक हो, तुम सबसे अच्छी हो। धन्यवाद लड़कियों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओ, मुझे फिर से एक छोटा हिस्सा मिला, ये बेकार है। और मैं साधारण मिल्का से खुश हूँ। देखो मेरे पास कितना बड़ा चॉकलेट बार है। और एमा के पास फिर से सबसे छोटा हिस्सा है। हाँ, ये बहुत मजेदार है, लेकिन इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। पैकेट को बाय किया। और मैं अपने चॉकलेट को एक छोटे रसोई में पकाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं एक सॉस पैन ले लूंगी और स्टोव पर आग चालू करूंगी। वाह सारा, मुझे दूरबीन के माध्यम से देखने दो। बेशक, ये लो, कितना अच्छा है। अब मैं चॉकलेट को पिघलाऊंगी और एक स्पैचुला के साथ प्रक्रिया को तेज करूंगी। और मैं दूध भी डालूंगी और स्वादिष्ट कोको बनाऊंगी। वाह क्या खुशबू है। यह मेरे मिनी मास्टरपीस का स्वाद लेने का समय है। वाह देखो कितना अच्छा है। हाँ जरूर, यह मेरे लिए बहुत छोटा है लेकिन स्वादिष्ट। देखो उसे क्या कर रही है। ओह, तो चलो देखिए कि तुम अपनी चॉकलेट कैसे खाओगी खुशी के साथ। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं इसे नाश्ते, लंच और डिनर के लिए भी हर समय खाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा। ब्रिटनी, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ चले गए हैं? कैसे खा रही हो? ओ, मुझे माफ करना, मैं बहक गई थी। अब सारा की बारी है, जैसा तुम कहो। अरे तुम पहले ही अपना चॉकलेट बार खा चुकी हो। यहाँ मेरे प्यारे, पैकेज को हटा दिया। यह तुम्हारे साथ एक कूल चॉकलेट घर बनाने का समय है। टेप का उपयोग करके आकार का पता लगाएंगे। सब कुछ स्पष्ट है, अब मैं आरी का उपयोग कर सकती हूँ। जैसा कि वे कहते हैं, 7 बार मापे, 1 बार काटे। लेकिन मेरे मामले में मुझे इसे 7 बार काटना भी होगा। छत तैयार है, दीवारें भी तैयार है। हुर्रे, मैंने हमेशा एक चॉकलेट घर का सपना देखा है। वाह तुमने बहुत अच्छा किया। और आखिरकार अब मैं इसे खा सकती हूँ। मेरे मुंह में तो पहले से ही पानी आ रहा है। वाह ब्रावो, परफेक्ट। तुम्हें मेरे घर को छूने की अनुमति किसने दी? ओह तुम बहुत होशियार हो, यहाँ से निकल जाओ। ओरियो, मुझे ये पसंद है। तुम्हें देखा होगा कि सारा को क्या कुकीज मिली, ये एक मजाक है। मैं सच्ची में बदकिस्मत हूँ। वाह वाह, मैं आखिरकार लकी हो गई। हाँ सारा, तुम्हारे पास कितनी मजेदार कुकी है, कितना छोटा। ठीक है कोई बात नहीं, पहले शुरू करो। मुझे आशा है कि मैं अपने ओरियो को मेरे दूध में डुबो सकती हूँ। ओह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इसे कैसे वापस निकालूंगी? ओह यहाँ पूरा हाथ दूध में चला गया। कुकी खोजने के लिए हमें इसे पीना होगा। आ रुको, ऐसे नहीं। तुम बहुत फनी हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखो यहाँ तुम्हारी कुकी है। हुरे, मैं इसे बहुत खाना चाहती थी। धन्यवाद ब्रिटनी, कूल, मुझे ये पसंद आया। अब तुम्हारी बारी है। बढ़िया, क्या खुशबू है। आइडिया, मैं भी अपनी कुकी को दूध में डबाऊंगी, लेकिन मैं इसे एक कॉकटेल बनाने के लिए स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। कितनी स्वादिष्ट चीज है। बहुत बढ़िया, इसका स्वाद अच्छा है, मैं पूरा पी लूंगी। क्या तुम और पीना चाहती हो? ये तो खत्म हो गया है। ओह चलो एमा। वाओ, मैं आखिरकार इसे खा सकती हूँ। ओह कितना भारी कुकी है, ये ग्लास में फिट नहीं हो रहा है, क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, दूध में डुबाने के लिए कुकी को छोटा बनाना जरूरी है।
और मैं कुछ ही समय में यह कर सकती हूँ। कूल। अब यह ओरियो मेरे कप के लिए एकदम सही साइज है। मैं गर्म दूध में भिगोए गए नरम कुकीज के इस मस्त फ्लेवर का स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो एमा, वो सच्ची में मस्त था। रुको, यह इतना ही नहीं है, मेरे पास दूध बचा हुआ है। इसमें अभी भी कुकीज का स्वाद है। कूल, अब मेरा पेट भर गया है। हाँ, आखिरकार तुम्हारा खाना खत्म हो गया है। केवल 4 सेंटीमीटर नूडल्स। अरे यार, मैं भी साधारण हिस्से से ज्यादा भाग जा रही थी। वाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह, देखो ब्रिटनी को कितने नूडल्स मिले हैं। वाह, ओह कितना छोटा है, ये बहुत मजेदार है। इतना छोटा सा हिस्सा, शुरू हो जाओ। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चॉपस्टिक का उपयोग करूँगी। हाँ, ये स्वादिष्ट है। अब मैं, चलो। चॉपस्टिक अच्छा नहीं है, नूडल्स को एक बार में खाना बेहतर है। देखो ये कितना अच्छा है। याहू! ओह, जब तुम्हारा हो जाए तो हमें जगा देना। मैं खा चुकी हूँ। वो सच्ची में सो गए, अब मैं उन्हें डराने जा रही हूँ। ओह, क्या हुआ? खैर, आखिरकार मैंने अपने समय का इंतजार किया। क्या अजीब है, तुम कुछ भी नहीं समझती हो। यह इस तरह से बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। स्टिक्स नीटिंग नीडल्स बन गए हैं और नूडल्स धागे हैं। कूल, वाह, देखो ब्रिटनी ने एक नूडल दुपट्टा बनाया है। तुम्हें मेरा आउटफिट कैसा लगा? कमाल है। वाओ, कितना स्वादिष्ट। मुझे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। जब ये छोटे होते हो तो बहुत प्यारे होते हैं। और मेरे पास साधारण पैक है, सुपर। ये देखो मैं कितनी लकी हूँ, मुझे एक विशाल हिस्सा मिला है। मेरे पास इतना छोटा हिस्सा है, क्या वहाँ कुछ है भी? वाओ, बहुत अच्छा, मीठा। लेकिन और कॉर्नफ्लेक्स नहीं बचे हैं। अच्छा चलो, अच्छा है कि मैं दूध को पी सकती हूँ। क्या ये खत्म हो गया? अरे नहीं, तुम किस पर हंस रही हो? चलो इसे खाओ। मुझे भी कॉर्नफ्लेक्स पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वो कितनी लकी है, मुझे और भी चाहिए। सीधे डब्बे से दूध पी लेती हूँ। ओह, ये कितना अजीब है। और क्या हो गया यदि मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स को मिलाती हूँ? ओह, ये बहुत अजीब और गंदा था। मुझे इसकी आदत है, ये बहुत स्वादिष्ट था। अब तुम शुरू करो। धन्यवाद। रुको, मुझे कटोरा लेने की जरूरत है। क्या ऐसा संभव है? सब कुछ नियमों के अनुसार है। कितना भारी पैक है। ओह, मैं कॉर्नफ्लेक्स को एक कटोरे में डालूंगी और फिर उसके ऊपर दूध डालूंगी। ओह, यह कितना बड़ा है। फ्यो, मैंने किया। चलो एमा, तुम इसके लायक हो। ये मस्त है, ये मेगा स्वादिष्ट है। वाओ, अच्छा किया, हमें तुम पर शक नहीं था। बहुत बढ़िया। बस देखो कि एमा को कितना छोटा टुकड़ा मिला है। एलेक्स का साधारण है और मिया को एक विशाल पिज्जा मिला है। शुरुआत करते हैं एमा से। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे जानना है कि इसका स्वाद कैसा है। पिज्जा हालांकि छोटा है पर बहुत स्वादिष्ट है। ओह हाँ, सच में ज्यादा नहीं था। और अब एलेक्स की बारी है। हाँ, उसके 2 स्लाइसेस पहले से ही एमा के पूरे पिज्जा से ज्यादा है। उसे बहुत भूख लगी है। ओह, देखो ऐसा लग रहा है कि एमा ने एलेक्स के पिज्जा को लालच करने का फैसला किया है। लेकिन उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वह क्या कर रहा है? रुको, देखो उसने पिज्जा को एक बार में खाने का फैसला किया है। हाँ, एमा स्पष्ट रूप से खाने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है। अब मिया की बारी है। यह एक टुकड़ा है, बस इसे देखो, यह कितना सुंदर है। चीज उसे बहुत लंबा है। मिया एक बार में पूरा टुकड़ा खाने का फैसला करती है। ठीक है, हम उसे समझ सकते हैं। इस तरह के स्वादिष्ट डिश को खाने से अपने आप को रोकना मुश्किल है, लेकिन यह क्या है? मिया, तुम मदद चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे एथलीट एमा के लिए काम है। चलो, मिया की सुंदरता को केवल एक्सरसाइज से मदद मिलेगी, लेकिन वह इतनी जल्दी थक जाती है।
उसके लिए एक अच्छी प्रेरक है जो उसे दौड़ने, अपने एब्स को पंप करने और स्क्वैट्स करने में भी मदद करेगी। खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। नहीं, ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। हमारी मियाँ शानदार शेप में वापस आने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि यह तस्वीर लेने का समय है। ऐसा लगता है कि इस बार मियाँ को बहुत छोटा मार्शमेलो मिला है और एमा को साधारण। जरा देखो कि एलेक्स को कितना बड़ा मिला है। वाह! हाँ, हर कोई इसे आजमाना चाहता है, लेकिन शुरुआत करते हैं मियाँ से। लगता है उसके पास एक आइडिया है। देखो, ये एक छोटी सी किचन है। जाहिर है मियाँ छोटे किचन में अपने छोटे मार्शमेलो को पकाने जा रही थी। एमा और एलेक्स को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। खैर, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। जाहिर है इंतजार करने में लंबा समय लगेगा। वह कितनी चालाक है। यह एक चाल थी। उसने अपने मार्शमेलो को भूना और एक छोटा फोक, बस उससे ट्राई करना है। हाँ, इसका स्वाद इस तरह से बहुत बेहतर होगा। कमाल का। अब एमा की बारी है। वह क्या लेकर आएगी? ऐसा लगता है कि उसने मार्शमेलो को एक स्क्वीवर पर रखने का फैसला किया है। हाँ, उसे थोड़ा भूनना है और फिर यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हर तरफ से अच्छे से भून लिया और अब एक छोटा बाइट। वाह, यह तो कमाल का है। और अब एलेक्स की बारी है। मुझे जानना है कि वह क्या करेगा। ओह, क्या यह एक फ्लेम थ्रोअर है? जल्दी अपने आप को बचाओ। ओह, उसने इसे कितना पिघला दिया। यह अपने श्रम के फल का स्वाद लेने का समय है। इतना सारा मार्शमेलो है कि एलेक्स शेयर करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियां इस तरह के ट्रीट से खुश नहीं है। वाओ, सुशी! उप्स, वे बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे खेद है एमा। मिया के लिए सुशी साधारण आकार के हैं। वाह, बस स्वादिष्ट। वाह, देखो एलेक्स के पास क्या विशाल रोल है और सॉस भी है। एलेक्स ने एथलीट पर हंसने का फैसला किया, लेकिन वह जानती है कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना है। शुरुआत करते हैं एमा से। इतना छोटा लेकिन उतना ही स्वादिष्ट। वाह, कमाल का। हाँ, वह क्या कर रही है? उसने सुशी से कबाब बनाने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि यह इस तरह से ज्यादा सुविधाजनक और स्वादिष्ट है। हाँ, सच में यह अद्भुत निकला। और अब मिया की बारी है। मिया को स्पष्ट रूप से सुशी पसंद है। वाह, उसे कितने स्वादिष्ट और अच्छी तरह से खा रही है। ऐसा लगता है कि एमा सच्ची में खुद यह ट्रीट खाना चाहती है। बस उन मासूम आंखों को देखो। ऐसा लग रहा है कि मिया को दया आ गई। अरे, कितना क्रूर! जाहिर है उसने उन सभी को खुद से खत्म करने का फैसला किया है। यह आखिरी था मिया। हाँ, एलेक्स जानता है कि शानदार शुरुआत कैसे करे। ऐसा लगता है कि लड़कियां उसे बहुत नाखुश हैं। हमें चॉपस्टिक से छुटकारा पाना होगा, लेकिन एलेक्स के पास स्पष्ट रूप से एक बैकअप प्लान है। अरे, एक मकड़ी है, कितना डरावना! एक मैग्नेट, वह ये सब क्यों रखता है? एक ब्लास्टर, क्या वह इसके साथ सुशी उठाएगा? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई इसे चार्ज करना भूल गया। ओह
नहीं, मिया की ड्रेस स्पष्ट रूप से खराब हो जाएगी। वाओ, बर्गर! आखिरकार एमा को सबसे बड़ा मिला और एलेक्स सबसे छोटा, और मिया जैसा कि आपने अनुमान लगाया साधारण। तो चलो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एलेक्स कुछ लेकर आया है। क्या, एक गुलेल? वह क्या कर रहा है? ओह, बर्गर खाने का ये एक अलग सा तरीका है, लेकिन काफी शानदार। और अब मिया की बारी है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ अपना बर्गर खाने का इरादा नहीं रखती है, वह क्या लेकर आएगी? जाहिर है मिया ने अपने बर्गर को अलग अलग करके खाने का फैसला किया है और अपनी खुशी को फैलाने का। और अब एमा की बारी है। देखो बर्गर कितना विशाल और भारी है। एलेक्स और मिया हंस रहे हैं कि एमा इसे उठा नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। उसे बस थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, या बहुत सारा, हर जगह। सच में हर जगह। और ड्रम रोल, और उसने किया। ऐसा लगता है कि दोस्तों ने एक शरारत शुरू कर दी है। अरे नहीं, उन्होंने एमा को गुदगुदी की और उसने बर्गर को खुद के ठीक ऊपर गिरा दिया। अब हमें सिर्फ ब्रेड के साथ संतोष करना होगा। वाह, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? यहाँ हमारे लिए क्या है? ये पॉपिट है। कितना छोटा, ये बहुत प्यारा है। अब तुम? मेरे पास एक बड़ा पॉपिट है। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं रुक नहीं सकता, बल्कि उसके साथ खेलना चाहता हूँ। अब तुम्हारी बारी। बिल्कुल। अरे वाह, ये बहुत बड़ा है। वाह, बहुत बढ़िया। ये मेरा है, तुम अपने पॉपिट से खेलो। बिल्कुल, लेकिन वो इतना छोटा है, इसके साथ कैसे खेले? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हारे हाथ बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, हमें छोटे हाथ चाहिए। मेरे पास बस एक है। इस तरह इसे खेलना काफी आसान हो जाएगा। ओह, कुछ गलत हो गया है। सावधान। ओह, माफ करना, मैं इसे फिर से नहीं करूंगी। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे कुछ ग्लू और एक हेयर पिन चाहिए। मैं हेयर पिन पर कुछ ग्लू लगाऊंगी। इस तरह से, बढ़िया काम। और अब जरूरी चीज, इसे आजमाए। मुझे लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छे हेयर पिन डिजाइन होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। चलो हेयर पिन लगाए। अब मैं कितनी फैशनेबल लग रही हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। माइक, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? इसके साथ क्या दिलचस्प चीजें की जा सकती हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कैंची है, अब हम उन्हें काटेंगे। ओह वाह। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यह दिलचस्प है। मैंने यह कर लिया। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे फोन के लिए इस कवर को देखो। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ये सुंदर दिखाई दे रहा है। नहीं, इसे मत छुओ, अपने से खेलो। क्या? मेरा सुंदर पॉपिट, मैं दिन भर उसके साथ खेल सकती हूँ। लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे सिलाई करना और दिलचस्प चीजों का आविष्कार करना पसंद है। अब मैं कुछ बेहतर बनाने जा रही हूँ, देखना तुम्हें पसंद आएगा। चलो करती हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। हमें इसकी पिक्चर लेनी होगी। बस हो गया, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तैयार है, मेरा यूनिकॉर्न। बस थोड़ी देर और। यह अच्छा बेल्ट। अब ये एक बैग है जहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। यह अच्छा है। मुझे भी एक चाहिए। नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे अपने लिए बनाया है। बस तुम मुझसे जलन करो। ओह चलो भी, अब इससे खेलते हैं। क्या मैं इस बार पहले खोल सकती हूँ? अरे नहीं, मुझे इसी बात का डर था। कितना घिनौना है। माइक, अब तुम खोल कर देखो। मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे पास भी ब्रोकली है, लेकिन कम से कम यह तुमसे छोटी है। सूजी, अब तुम। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या है? ओह, कितनी राहत की बात है, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। कितना छोटा है, मैं इसे खा लूंगी, मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। ओह माइक, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? अब ऐसा मत करो, तुम इसे खाना पड़ेगा। यहाँ आओ बदसूरत ब्रोकली, जरा देखो वो कैसे खा रही है। वो पूरी गंदी हो गई है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? ओह माइक, तुम अगले हो। मैं इसे नहीं खाना चाहता। ब्रोकली भयानक लग रहा है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। कितना घिनौना है, मैं इसे नहीं खा सकता। बॉन एपिटी, अच्छे से चबा कर खाओ। मुझे ये सब क्यों करना है? मैं इसे निगल भी नहीं सकता।
ये बहुत घिनौना है। स्वाद के मजे लेने के लिए चब आओ। यहाँ ये तुम्हारे लिए है। तुम ये लो बदमाश, क्या तुमने मुझे ब्रोकली से मारा? अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितना बुरा है। खैर ब्रोकली, अब मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। यह लो, और यह बस हो गया। अब तुम नहीं। हाँ तो ठीक है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। मैं इसे बिना स्वाद लिए निगल लूंगी। कितना घिनौना, मुझे सब कुछ खाना है। भले ये मुझे पसंद ना हो, मैं ये सब खा लूंगी। मैं एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ूंगी। यह आखिरी टुकड़ा है। अरे वाह, फिर भी तुम। बस इतना ही, मैंने इसे निगल लिया। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ होने वाला है। तुम पूरी हरे रंग की हो गई हो। फीवी, तुमने क्या किया? छी, कितना गंदा। माइक खोलो। नहीं फीवी। ठीक है, मेरे पास यह गमी आँख है। बहुत छोटी है लेकिन कोई बात नहीं। माइक अब तुम। ओ हाँ, मेरे पास एक बड़ी आँख है। ये कितनी मस्त है। सूजी तुम्हारी बारी है। हाँ, वाह, ये कितनी बड़ी है, बस विशाल। ये मेरी आँख है, तुम अपनी आँख को देखो। खैर ठीक है, मैं अभी के लिए अपना खाऊंगी। पता नहीं कि अगर मैं इसे उछाल दूँ तो क्या मैं इसे अपने मुँह से पकड़ पाऊंगी। यह काम किया, तीसरी आँख मेरे मुँह में है। स्वादिष्ट, ये बहुत ही जूसी और च्यूई है। मुझे और खाना है। यह मेरे लिए काफी नहीं था। अब मैं यहाँ हूँ। यह इतना बड़ा और स्वादिष्ट है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? नहीं, ये मेरी आँख है। चलो भी, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? हाँ बहुत ज्यादा, पर तुम्हें मिलेगी नहीं, ये मेरी आँख है। नहीं, मैं ये लेकर रहूंगी, ये मुझे दो। अरे वाह, यह असली लड़ाई है। ये टूट गया है, मेरी आँख दो टुकड़ों में बट गई है। माफ करना, यहाँ इसे वापस ले लो, ये तुम्हारी है। मुझे पता है सब कैसे ठीक किया जा सकता है। लो यह चम्मच ले लो। बिल्कुल, यह खाने में काफी सुविधाजनक होता है। स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकता। यह बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। और अब इसे काट सकते हैं। अद्भुत गमी कैंडी, मुझे और अधिक चाहिए। मेरे पास एक और आधा है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा गमी। कितना स्वादिष्ट है। सूजी तुम्हारी आँख। बिल्कुल, जब मैं उसे काट सकती हूँ तो मुझे चम्मच की क्या आवश्यकता है। काटो और खाओ। वाह सूजी, क्या तुम इतनी भूखी थी? दोस्तों मैं इसे हटा नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हें ध्यान से खाना सीखना चाहिए था। यह मजाक नहीं है। ठीक है चलो उसकी मदद करते हैं। यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे ऊपर से वो आँख हटा देंगे। ओ नहीं, वो फिसल गई। ओह, उसने कितनी दूर उड़ान भरी और टूट कर बिखर गई। मुझे एक टुकड़ा दो। यह मेरी आँख है, तुम इसे नहीं ले सकते। मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। रॉक पेपर सीजर्स, कौन जीतेगा? मैं जीती। फिर इसे खोलो। ये एक बर्गर है। यह कितना विशाल और स्वादिष्ट है, मैं इसे जल्दी चखना चाहती हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए भी लकी होगा। मुझे यकीन है कि ये लकी रहूंगी मैं। अरे नहीं, ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। क्या तुम ऐसे लकी हो? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। okay. लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। पहले अपना खाओ सूजी। मैं? ठीक है, इस छोटे से बर्गर को कैसे खाया जा सकता है? मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक रुमाल लूंगी ताकि गंदा न हो जाए। मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। एकदम सही। और यह कैसे मदद करेगा? मेरे पास एक चाकू और कांटा भी है। मैंने अपना बर्गर काटा। कितना स्वादिष्ट है, मेरे मुँह में जल्दी आओ। कितना उबाऊ है। यह शिष्टाचार है। इससे ज्यादा उबाऊ क्या हो सकता है, मुझे नींद आ रही है। आखिर यह कितना स्वादिष्ट है, मेरा बर्गर। सही बात है, शिष्टाचार। टुकड़ों और नैपकिन से छुटकारा पाना महत्वपूर्ण है। उठ जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अजीब है, चलो खाओ। बिल्कुल, मेरे पास बर्गर है। सभी की नज़र इधर ही है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बर्गर को ठीक से कैसे खाया जाता है। थोड़ी देर और कोई बर्गर नहीं है। क्या तुमने इसे देखा? मैं ठीक हूँ। वाह, यह तो आश्चर्यजनक है। सावधान, में इसे अपने तक नहीं रख पाया। छी माइक, कितना घिनौना। अब तुम। मेरे बड़े बर्गर, मेरे मुँह में आओ। क्या यह काम क्यों नहीं कर रहा है? ये बहुत बड़ा है, उसे काटना मुश्किल है। मुझे सलाद खाना पड़ेगा। एक कांटा और एक चाकू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है, चलो इसे आजमाए। यह काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये बहुत छोटे हैं। मेरे पास कुछ है। वाह, कितना बड़ा चाकू है, लेकिन इससे भी नहीं कट रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सोचो फीवी, सोचो। हाँ बिल्कुल, एक चेनसॉ। ओह कितना भयानक। अब यह निश्चित रूप से काम करेगा, तो चलो सावधान रहो। यह सचमुच काम करता है। मैं अब तुम्हें खाने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने यह किया। सारा खाना हम पर फेंकना ही तुम्हारा काम है। माफ करना, मुझे अब आरी की जरूरत नहीं है।
अब इस बर्गर को खा सकते हैं। और मेरे लिए एक टुकड़ा, इसे शेयर करो प्लीज। जरूर, लो इसे खाओ। ओह, तुम कितनी लालची हो। मेरे पास दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। कितना जूसी है, ये सॉस बस स्वादिष्ट है। एक टुकड़ा काफी नहीं है, मैं और अधिक चाहती हूँ। और मैं यहाँ से काट लूंगी और यहाँ से। अद्भुत, बहुत बढ़िया। मैं एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ूंगी, मैं हर आखिरी टुकड़ा खाऊंगी। यह मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट बर्गर है, मुझे ये बहुत पसंद है। कितनी गंदगी, कोई शिष्टाचार नहीं है। ओ, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, अब मैं और नहीं खा सकती। तुम अपनी तरह नहीं दिख रही हो। अरे नहीं, ऐसा कैसे, देखो तुम कितनी फूली हुई हो, ये तुम्हारे गाल है। ओ, ये क्या हो गया। बस एक ट्विक्स, बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ, लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा। और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूँगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो। मुझे डर लग रहा है, अब आरा दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ, अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो। ओ, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ, मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है, ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। दो टुकड़े थे और अब 10 है, बहुत अच्छा। ओ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ। इतने सारे रैपर से मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? आह, मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है, मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मैं भी पीना चाहती हूँ कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया, ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला। वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो यह मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है, ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है, हमें इसे खाना चाहिए। अरे मेरा टावर हिल क्यों रहा है, तुम क्या कर रही हो, ये गिरने वाला है। तुरंत रुको, मैंने कहा रुको। अरे नहीं, ओ, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ, केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो, यहाँ फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या ये तुम्हारी आंख है? कितना बुरा, मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है, तुमने मुझ पर अपनी आंख क्यों फेंकी? ओ, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है, ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओ, आग! अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था, मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है, तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी। बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है, आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे गमी पसंद है।
तुम हाथ कहाँ लगा रही हो? ये मेरा हिस्सा है, सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है। मैं रुकना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बहुत देर हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है? मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप? यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है, वो पक्का है। मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही। वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुर्रे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया, इतनी जल्दी, ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह चलो खोल जाओ, लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह मस्त, ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओ मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपनी चिप्स खाती हूँ उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ़, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह, कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। इतना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रॉकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रॉकली के बजाय किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे पता नहीं, ठीक है ऐसे ही खाती हूँ। ओह, मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हमें, हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे, लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह, इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है, वे इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो, मुझे अपने पौधे को पानी देना है, इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ, ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो, लेकिन मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो वहाँ एक चिड़िया है, मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफों ने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा, मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओ, मेरा लगभग पूरा हो गया, खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह, लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई, उन्हें पता चल गया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ।